आज हम बनाएंगे साबूदाने के खीर। जब आपको तीखा खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप कम समय में झटपट से एक खीर बना सकते हैं, क्योंकि यह खीर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं खीर बनाना। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप साबूदाना लिया है। ये हमने मोटे दाने वाला साबूदाना लिया है। खीर बनाने से पहले हम साबूदाने को पानी से साफ करेंगे। आप देख सकते हैं साबूदाने को हाथ से मसलने के बाद पानी कितना धुंधला हो गया है। साबूदाने का धुंधला पानी निकाल देते हैं। हम इसी तरह 2 से 3 बार पानी डालकर साबूदाने को साफ करेंगे। साबूदाने को हमने पानी साफ कर लिया है। अब साबूदाने में हम लगभग 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए किनारे रख देते हैं, जिससे साबूदाने फूल जाएं। पानी हम साबूदाने में उतना ही डालेंगे जिससे साबूदाने फूलने के बाद पानी को सोख लें और उसमें एक्स्ट्रा पानी न रहे। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो चलिए हम दूध को उबाल लेते हैं। यह हमने कच्चा दूध लिया है, इसलिए हमें पहले दूध को उबालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कच्चे दूध में साबूदाने को डालेंगे तो दूध फट जाएंगे। इसलिए आप जब भी इस तरह की खीर बनाएं तो सबसे पहले आप दूध को अच्छे से उबालें, उसके बाद आप साबूदाने और मेवा को डालें। आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, यानी कि दूध अब अच्छे से पक चुका है। अब दूध को हटाकर हम गैस पर कढ़ाई को रखेंगे। कढ़ाई में हम 2 छोटी चम्मच घी डालकर गर्म करेंगे। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 10 से 12 दाना काजू और लगभग 10 से 12 दाना बादाम, थोड़ा सा कटा हुआ सूखा नारियल। अब मेवा को हम धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। खीर में हम केवल इतना ही मेवा डालेंगे, लेकिन आप चाहें तो अपने मनपसंद और मेवा डाल सकते हैं। मेवा भुन गए हैं। अब मेवा को प्लेट में निकालेंगे। मेवा को हम साइड में रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में साबूदाने को डालकर भूनेंगे। आप देख सकते हैं साबूदाने 2 घंटे के बाद अच्छे से फूल गए हैं। साबूदाने को हम कढ़ाई में डालकर 1 मिनट तक भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे हमें नहीं भूनना है और गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे, क्योंकि साबूदाने कढ़ाई में जल्दी चिपक जाते हैं। साबूदाने को भूनने के बाद अब इसमें हम उबला हुआ दूध डालेंगे। अब दूध को हम साबूदाने के साथ हल्का गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अभी ये आपको पतला दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दूध पकता जाएगा तो खीर गाढ़े हो जाएंगे। अब दूध धीरे धीरे गाढ़े होने लगे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब खीर को हम मीडियम आंच पर 1 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे चीनी पूरी तरह से गलकर पक जाए। अब चीनी पूरी तरह से गलकर पक गया है, यानी ये खीर बनकर तैयार है। अब इसमें हम भुने हुए मेवा को डालेंगे। यहाँ पर मेवा को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब इसे हम खीर में डालकर मिलाएंगे। अब ये खीर हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार है। गैस को हम बंद करेंगे और खीर को बर्तन में निकाल कर आपको दिखाते हैं। खीर में हम थोड़ा सा मेवा डालकर गार्निश कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे साबूदाने की खीर बनकर खाने के लिए तैयार हैं। यह साबूदाने की खीर व्रत में भी खाया जाता है, या फिर आपको जब मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से झटपट से खीर बनाकर खा सकते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।